उदाहरण 10, समीकरण स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1 को हल कीजिए। यदि 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी एक समीकरण है हमारे पास, ये समीकरण स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हल करना है। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात वर्गमूल 3 टेन थीटा बराबर 1, इसको हल करना है। और यहाँ थीटा का जो मान होगा उसके लिए फिर एक शर्त रखी गई है कि 0 अंश और 90 अंश तक इसके मान हो सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि 0 डिग्री छोटा है या बराबर है थीटा के, और थीटा छोटा है या बराबर है 90 अंश के। तो इसके मान ज्ञात करते समय हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि थीटा का जो मान हम निकालेंगे वह 0 से 90 अंश के बीच रहे, या 0 हो या 90 अंश हो सकता है। तो इसको हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 3। और हमको अब ये देखना होगा कि त्रिकोणमिति सारणी में 1 अपान स्क्वायर रूट 3 अर्थात 1 बटा वर्गमूल 3 कितने अंश का मान है। तो टेन में ही ये मान हमको देखना होगा, तो टेन थीटा बराबर ये मान होता है टेन 30 अंश का। अब फिर यहाँ पर हमको दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करनी होगी। तो यहाँ पर कोण है थीटा और इस तरफ है कोण 30 अंश। तो फिर जब हम तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमको मिलेगा 30 अंश, और यही दिए गए समीकरण का हल भी है।